माशाल्लाह भाई, बोरवेल का पानी है ये? बोरवेल तो नल का भी पानी रहेगा। स्टोरेज के लिए कहाँ है? स्टोरेज के लिए काफ़ी बड़ा सब दिख रहा है, ये भी काफ़ी है ना जी। जहन में रखिए, चैनल सिर्फ एक प्रमोशन का काम करता है। आप तक जो भी प्रॉपर्टीज बिकने के हैं, वीडियो बनाकर लाते हैं फीस लेकर। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है या खरीदना चाहते हैं तो आप पर्सनल वेरिफिकेशन कर लें। चैनल किसी की वेरिफिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो और आपके भी प्रॉपर्टीज हमारे चैनल के ज़रिए बेचना है तो कॉल कर ले। स्क्रीन पर नंबर है निज़ाम 9985750330। और जो चैनल पे है नए, वो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जब भी नया वीडियो मेरे चैनल के ज़रिए आएगा आपको इतला हो जाएगी। और आज जो मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी प्रॉपर्टी है। कमर्शियल बेस पे अगर कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं अच्छे बजट में, तो उनके लिए ये रहेगी, क्योंकि ये जो मुकाम पर है वो मुकाम भी मायने रखता है। काफ़ी अच्छा एरिया है, काफ़ी अच्छे आपको बिजनेसेस नज़र आएंगे यहाँ पर। और बिल्कुल मेन रोड से करीब है प्रॉपर्टी ये, जो मेन रोड आपको चारों तरफ कनेक्ट होगी, एयरपोर्ट की तरफ भी जाएगी रोड, आपको इधर सईदाबाद की तरफ जाएगी। तो ये रोड जो सेंटर है ये चारों तरफ कनेक्ट होती है, जो प्रॉपर्टी है उसके करीब मेन रोड जो आ रही है। और पानी वगैरह की भी सारी सहूलतें हैं इस प्रॉपर्टी में। तो इसमें कमर्शियल बेस पे है, बिल्कुल नई प्रॉपर्टी, अब तक इस्तेमाल नहीं हुई, कंस्ट्रक्शन होने के बाद पहली बार डल रही है। और अच्छी रेंटल इनकम रहेगी आपको, आप खुद रहते पर भी किराए पे दे सकते हैं। तो इस तरह के बजट के जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं अच्छे मुकाम पे, उनके लिए है। मैं मौजूद हूँ बल्लागुड़ा हाईवे रोड पर, जो आसपास देखेंगे आपको काफ़ी मशहूर चीज़ें हैं, जैसा फिज़ा होटल है, आपको तकरीबन बड़े बड़े चीज़ें हैं उसी से लगकर आपको बिल्कुल ये प्रॉपर्टी रहेगी। मैं लोकेशन बता लेते जा रहा हूँ, अगर आप कुछ कंफ्यूज भी रहे तो ओनर का नंबर रहेगा, उस पर आप डायरेक्ट बात कर सकेंगे। मेन रोड से बिल्कुल करीब है, आपको एट मोटर्स है, देखिए इसका बिल्कुल लैंडमार्क रहेगा आपको, ये देखिए टाटा मोटर्स है और ये इखरा इंटरनेशनल स्कूल है, इसी की रेव रहेगा। यहाँ से बस आपको मेन रोड से एक हिसाब में देखेंगे तो वॉकिंग डिस्टेंस रहेगा आपको। और आसपास भी जिस तरह का कंस्ट्रक्शन है बहुत प्यारा है, और बारिश काफ़ी हुई थी इस वजह से रोड पे भी आपको पानी नज़र आएगा। और देखिए ख़ासतौर पे ये फ्लैट्स और आप दो तीन छत डाल के ऊपर बना सकते हैं, क्योंकि आजू बाजू भी आपको चार पांच फ्लोर के बिल्डिंग्स है जो फ्लैट्स है। तो कोई डेवलपमेंट पे जैसा काम करते बनाकर बेचते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। अब ये पूरा अपार्टमेंट खरीद कर भी फ्लैट्स के ज़रिए बेच सकेंगे, जो बड़े बेस पर काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा है, आप लोग एक बार देखें। और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल फ्लैट्स भी जैसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है एडवांस में बुकिंग हो जा रहे हैं, तो ये भी बड़े बेस पे काम चल रहा है भाई। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद है मेरे चैनल मेट्रो रियल इस्टेट हैदराबाद पर। मैं आपका दोस्त मोहम्मद निज़ामुद्दीन जुनैद एक अच्छी प्रॉपर्टी लाया हूँ, जो G+2 है और 200 गज के करीब है, रजिस्टर्ड असिस्टमेंट टैक्स पेड प्रॉपर्टी है। और हम मौजूद है बल्लागुड़ा मिलन कॉलोनी में, जहाँ से आपको रास्ता बता लेते आऊँ। मेन रोड से बिल्कुल करीब प्रॉपर्टी रहेगी, इसको दो तीन तरफ से रास्ते रहेंगे। जो आपको रास्ता लाया हूँ बल्लागुड़ा मेन रोड, जो आपको फिज़ा होटल से बता लेते लाया हूँ, मज़ीद आपको शोरूम्स और रास्ते बताया हूँ, फंक्शन हॉलों का गढ़ है। और इस प्रॉपर्टी के इंचार्ज भी है मेरे साथ, उनसे बात करते हुए बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? एहसान मोहम्मद खान जी। सन भाई आपसे चाहूँगा, ये कौन सा मुकाम है? ये बल्लागुड़ा मिलन कॉलोनी बोल के हैं जी। ये आपके अपोजिट में जो है सो रॉयल सी होटल है, रॉयल सी होटल के सामने जो है ना आपको टाटा मोटर्स बोल के है जी, अखरा स्कूल है, उसी से बता लेते लाऊं। तो चले अंदर आए, इसमें पांच पोर्शन बने हुए, पांच पोर्शन, ग्राउंड पे एक, फर्स्ट पे दो, सेकंड पे दो, और काफी माशाल्लाह बड़ी पार्किंग है जी, अंदर बोरवेल नल सारी चीजें सब चीजें हैं। चलिए ये जैसा हम इंटर हो रहे हैं, आपको रैंप है और गेट काफी प्यारी है, देखिए हैवी गेट है, मैं देख रहा हूँ सामने से काफ़ी बड़ी गेट है। आप गेट का लुक देखें, खोल दें और ये देखें अंदर जैसा आएंगे, काफ़ी बड़ी पार्किंग है, इसीलिए नीचे एक ही पोर्शन बनाया गया है एक पार्किंग के लिए। कारों की भी देखेंगे आप, ऑलरेडी एक कार रुकी हुई है और एक दो कार की रहेगी, पार्किंग की तो फैसिलिटी रहेगी इंशाल्लाह। और सामने भी आपको जगह बड़ी है तो यहाँ भी कार पार्क ऑलरेडी करी हुई है। और ये बोरवेल सिस्टम है सब? ये हाँ, ये ऊपर के जो वाटर टैंक है उसका कनेक्शन है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और सेटबैक लेके बनाया गया है, बोलिए आप जी। एक दो फीट का सेटबैक लग रहा है मुझे यहाँ, देखिए इसलिए घर में रोशनी भी रहती है भाई। ये देखिए आप, नीचे से आपको पार्किंग काफ़ी बड़ी है जैसा बता लेते जा रहा हूँ। ये देखिए आप, सेटबैक अच्छा है आपको वेंटिलेशन के लिए, दोनों तरफ है और जाने के स्टेयर्स भी है, लिफ्ट भी है, लिफ्ट का गाला खुला है और बोरवेल सिस्टम वगैरह भी है।
ये देखिए आप, पहला पोर्शन आपको बता रहा हूँ, ये देखिए फर्स्ट पोर्शन है जिसमें अभी ज़्यादा रोशनी नहीं है भाई। तो ये देखिए आप, बिल्कुल आपको बिल्कुल नया घर है, अभी तक कोई इसमें उतरे नहीं, इस्तेमाल हुआ नहीं। इसमें नीचे कितने रूम आ रहे हैं सन भाई? दो रूम हैं, किचन, टॉयलेट। ये एक बड़ा रूम है जो रोड के तरफ, इसकी वेंटिलेशन खुल रही है जी। फिर ये क्या है साहब? ये वॉशिंग मशीन है सर, आप रखे। अच्छा, स्पेस है, अभी रोशनी है नहीं भाई, काफ़ी बारिश भी हुई। और यहाँ एक देखिए हॉल है, हॉल से लगकर दो रूम है। हाँ, ये दो रूम है। ये दो रूम, पहला वाला ये, दूसरे वाला ये, पहला वाला वो, और ये किचन एरिया है। किचन एरिया, और यहाँ पर वॉशरूम वगैरह है जी। और ये देखिए सन भाई, हमारी लिफ्ट है जो कंप्लीट हो गई। इसमें तो इसमें क्या काम रहेगा? अब वो लिफ्ट की पूरी फिटिंग है अपने को, इसकी ग्रिल है, खाली ग्रिल अपने पास ऑर्डर देके रखे हुए हैं। इस पे जो भी बात रहेंगी आप कर लेंगे, कैसा रहेंगे? नहीं, वो इसीलिए बता दे रहा हूँ, मतलब जो प्रोसेस हो गया हो गया, अभी जो रहेगा आप बात करके बात करें। काफी बड़ी पार्किंग है और ये स्टेयर्स है, स्टेयर्स भी आपको एसएस की रेलिंग है, लिफ्ट बिल्कुल आपको स्टेयर्स के सामने आ रही है। ऋषान भाई, हम फर्स्ट फ्लोर पे है, जो लिफ्ट का गला यहाँ रहेगा हमारा, और इसमें दो पोर्शन है हमारे। अच्छा नमाज, तो ये पहला वाला पोर्शन, हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। यहाँ देखिए काफ़ी अच्छी सीलिंग के साथ है आपको रोशनी वोशनी माशाल्लाह। और यहाँ भी कैसा रहेगा एहसान भाई? ये विषय नीचे की सीलिंग जी, ये एक रूम है आपको, डेक बने हुए हैं पूरे, सामने वेंटिलेशन है, घर में वेंटिलेशन अच्छा है भाई माशाल्लाह। ये एक रूम है जी, चलिए यहाँ भी वेंटिलेशन है आपको, बाहर रोड है, सेटबैक का ये एक फ़ायदा होता है भाई। ये देखिए आप, और ये वॉशरूम है, अटैच है ये रूम, वेस्टर्न डब्ल्यूसी के साथ भी आपको, और शावर वगैरह कंप्लीट है पूरा, माशाल्लाह। चलिए, तो कोई भी आए तो बस रहना है। ये देखिए आप, किचन भी काफी बड़ा है भाई माशाल्लाह। ये देखिए आप, यहां से भी देखिए बहुत प्यारी सीलिंग है, और जैसा आपको किचन भी बताया, और यहाँ पर ये व्यू देखिए बहुत प्यारा व्यू है, बालकनी है, आप वॉशिंग एरिया वगैरह भी बना सकते हैं। यहाँ से आपको सामने के भी बिल्डिंग दिखेंगे बहुत प्यारे। और ये देखिए यहाँ पर अटैच है आपको, ये भी कंप्लीट है आपको, एक वॉशरूम जो है आपको अटैच रूम के साथ है, बेडरूम के साथ है, और ये कॉमन में है, और ये आप कुछ भी दूसरा इस्तेमाल कर सकते एरिया। देखिए ऊपर भी सामान रखने करने के लिए लो रूफ है, रेयर इस्तेमाल होने वाला सामान रख सकते हैं आप। तो एहसान भाई एक तो बता दिए, दूसरे वाला है हमारा, ये देखिए ये भी दूसरे वाला है, इसमें भी सारी चीज़ें कंप्लीट है, ये देख सकते हैं आप। ये एक रूम है, और ये एक रूम है, और यहाँ पर किचन है देखिए आप, और वॉशरूम वगैरह देख ले। ये यहाँ पर एक कॉमन वॉशरूम है आपको, इंडियन डब्ल्यूसी के साथ वॉशिंग एरिया है, और यहाँ देखिए बालकनी, बहुत प्यारी बालकनी है, आपको रोड दिखेगी सामने से पूरी। देखिए सामने भी जो घर देख रहे हैं आप, बहुत प्यारे घर है। एहसान भाई ग्राउंड पे और फर्स्ट पे बता दिया, सेकंड पे मूव करते हैं। तो एहसान भाई हम सेकंड फ्लोर पे है, तो नीचे की तरह ही है माहौल यहाँ भी? बिल्कुल सेम जी। चलिए एक ओवरऑल लुक बता देते हैं, सेम जैसा आप फर्स्ट पे देखे उसी तरह है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जा रही है। एक ये दूसरे वाला जैसा नीचे है वैसी है ना एहसान भाई? ये बिल्कुल सेम है, सेम है आप, सेम वेंटिलेशन, सेम रूम, यहाँ भी इसी तरह है माहौल बिल्कुल। एहसान भाई अल्हम्दुलिल्लाह आपका ऊपर का सेक्शन भी बता दिए हम, ग्राउंड भी बता दिए, फर्स्ट भी बता दिए, सेकंड भी बता दिए, बिल्कुल टॉप पे है। तो और कुछ कैपेसिटी ऊपर जाने की दिख रही इसमें? पांच फ्लोर का फाउंडेशन है, पांच फ्लोर का फाउंडेशन है, देखिए देखिए जी जी जो अपन डाले थे। तो और जाने क्यों है? हाँ, और आगे बाजू भी आपके आज पांच पांच फ्लोर बनने हुए स्टील, देख ले आप लोग, और सामने माहौल भी देख ले। हम जहाँ ठहरे हुए वहाँ से और दो फ्लोर ऊपर है ये बिल्डिंग, और यहाँ की भी बिल्डिंग दो फ्लोर ऊपर है, तो आप भी दो फ्लोर और इंशाल्लाह इस पे जा सकेंगे। मैं आपको ओवरऑल लुक बाहर से ऊपर से बता देता हूँ, देखिए आप इस तरह का माहौल है। देख ले जी, हाँ आसपास भी घर बन रहे हैं जल्द से। सन भाई यहाँ से आपकी रोड भी प्यारी दिख रही है बहुत,
मेन रोड है ना ये? जी मेन रोड है। ये देख ले, बिल्कुल गाड़ियां जहाँ मूव हो रहे हैं, ये देखिए आप लोग। तो ये देखो गाड़ियां जा रहे हैं भाई। तो आपको रोड का डिस्टेंस कितना है वो बताने के लिए बता रहा हूँ। आसिफ ग्लास है ना वो? आसिफ ग्लास जो है मेन रोड रहेंगी आपको, वहाँ से गाड़ियों का मूवमेंट है तो रोड से करीब है। बताने का मकसद ये है, अशरफ ग्लास है। चलिए, तो रोड से बिल्कुल करीब है, देख सकते हैं आप, और आसपास भी बता रहा हूँ। और अहसान भाई टाकियाँ काफ़ी बड़े दिख रहे हैं जी। जी, 2000 लीटर, 3 लेयर्स, तो माशाल्लाह पानी की कोई कमी पेशी नहीं रहेंगी? नहीं नहीं, बोर भी है, नल भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो एहसान भाई सारा घर बता दिया आपका माशाल्लाह। जी, जो 200 गज के अंदर बताया जा रहा है, डायमिनेशन जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे आप भेज देंगे उनको? बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे ग्राउंड पे पार्किंग है और एक सेक्शन बना हुआ है जी। फर्स्ट फ्लोर पे 2 पोर्शन बने हुए हैं और सेकंड फ्लोर पे 2 पोर्शन बने हुए हैं। बराबर जी, सारी चीज़ें कंप्लीट है। कंप्लीट है, सिर्फ एक लिफ्ट में काम। हाँ, जो लिफ्ट जो भी खरीदेंगे वो लिफ्ट का कर लेना। कर लेना, जो पोजीशन पे है आप यही पोजीशन पे देंगे, कोई मजीद चीज़ लगेंगी नहीं इसमें। नहीं नहीं, तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। कुछ है ही नहीं, पूरा कंप्लीट है, वही तो बता रहा हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ। कुछ कोई निकालेंगे तो फिर आप बोल देंगे अच्छा नहीं, लेकिन ये पोजीशन पे है अल्हम्दुलिल्लाह, हर कोई आके रह सकते हैं यहाँ पर वो पोजीशन पे। चलिए साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई ख़रीद लेंगे तो क्या उम्मीद का किराया हो सकता है ये 5 पोर्शन का यहाँ पर? देखिए, एक पोर्शन का किराया कम से कम आप जो है ना 12,000 रुपये करिए। अच्छा, 12,000 रुपये एक, तो 60,000 रुपीज़ वाली बात हो रही है जी। हाँ, 60,000, 12×5=60, 12×5=60, तो 60,000 रुपये आपकी उम्मीद किराया हो सकता है बताया जा रहा है। तो पानी की सहूलत भी आपसे चाहूँगा, फिर बता दे क्या रहेगी पानी की सहूलत? आपको नल का पानी है, मीठा पानी है, बोर का है, स्टोर करने नीचे हाँ, भी जगह है, ऊपर टाकियाँ भी है, बहुत बड़ा सम है नीचे। तो एहसान भाई आपका फ़ोन नंबर? 9542267860। और कोई नंबर? ये एक ही नंबर है, दूसरे नंबर पे। तो एहसान भाई ये एरिया फिर से चाहूँगा, क्या बोल रहे हैं? ये मिलन कॉलोनी है जी। जी, अपोजिट ये अपने रॉयल बल्लागुड़े में आएगा ना? बल्लागुड़ा जी। ठीक है साहब, सारे चीज़ें तो हो गए जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसकी कीमत क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? कीमत इंशाल्लाह जो भी मेरे को कॉल करेंगे इंशाल्लाह उनको मैं फ़ोन पे बता देता हूँ जो भी रेट रहेगा। बोल देना था आप? नहीं, पर्सनल में अपन बताएंगे इंशाल्लाह। चलिए, जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे ना फिर, क्योंकि प्रॉपर्टी देखने के बाद में ही आगे वाले कॉल करेंगे ना, तो वो हिसाब से अपन उनको रेट बता देंगे। चलिए ठीक है इंशाल्लाह। नंबर बता दे और एक बार फिर। 9542267860। चलिए, जो भी इंटरेस्टेड है भाई के नंबर है, डायरेक्ट कांटेक्ट करें। जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले, अगर आपको भी ऐड डलाना है तो कॉल करें 9985752030, ये मेरा नंबर है, इस पर कॉल कर ले। और एहसान भाई का भी नंबर दे चुका हूँ, आप लोग सीधा सा रास्ता है, आए देखे इस तरह की प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी जो किराया मौजूद हो वो कॉन्टैक्ट करें, और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।